जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं ओवर ब्रिज का जो सलादा जो ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, देख रहे हैं आप कितना काम चल रहा है। दर्शकों हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, देख रहे हैं धीरे धीरे इसका ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है इसे और आसपास के लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, देख रहे हैं आप। दर्शकों गंगापुर सिटी के जो करौली फाटक पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है वो बहुत ही धीमी गति से बन रहा है, लोगों को काम प्रभावित हो रहा है और रास्ता अवरुद्ध होने के कारण चक्कर लगाकर आना पड़ता है, देख रहे हैं लोगों को पटरी पार करके जाना पड़ता है। मॉल और लोगों से हमारा निवेदन है इसी तरह पटरी पार करके नहीं जाए, चाहे चक्कर लगाना आ जाए, क्योंकि काफ़ी घटनाएँ घट रही हैं। देख रहे हैं दर्शकों जो करौली फाटक पर जो ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति से इस टाइम काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी का करना पड़ता है सामना। दर्शकों देख रहे हैं जो करौली फाटक पर ओवर ब्रिज का काम चल रहा है बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और आसपास के जो मकान हैं दुकान हैं सब बिल्कुल बेरोजगार हैं, दुकानदार भी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है इधर से निकलने के लिए। पूरी तरह से देख रहे हैं काम बंद पड़ा हुआ है यहाँ का। देख रहे हैं करौली फाटक का दर्शकों हम जो करौली फाटक पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसका लाइव दिखा रहे हैं, बहुत ही धीमी गति से कार्य चल रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना, बहुत ही धीमी गति से कार्य चल रहा है यहाँ पर और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देख रहे हैं मौत के मुंह में से लोग बाग निकल रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पटरी मालगाड़ियों के नीचे से लोग बाग निकल रहे हैं, इस तरह से नहीं निकलना चाहिए लोगों को। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना है, कहना जो करौली फाटक पर जो कार्य चल रहा है क्या तेज़ी इसमें तेज़ी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों का काम प्रभावित हो रहा है, आसपास के जो दुकानें बनी हैं सैकड़ों वो बेरोजगार बैठे हैं। आसपास के जो दर्शकों मकान है दुकान है यहाँ पर सब बेरोजगार बैठे हुए हैं इस टाइम। और लोगों को देख रहे हैं मौत के मुंह में से होकर निकलना पड़ता है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको काम को चलते हुए लेकिन अभी तक काम संपन्न नहीं हुआ है। हमारा सरकार के निमानदे से निवेदन है शीघ्र इसको काम को चालू करें ताकि लोगों की राह आसान हो सके।